मेरा नाम है अजय। आप सभी का अजय ऑनलाइन फ्री क्लास में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या ऊपर का आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। और आप हमारे अजय ऑनलाइन फ्री क्लास फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ से आप हमारे नोट्स के पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम जानेंगे दोस्तों एनुअल एग्जाम छत्तीसगढ़ पीएससी भर्ती एवं चपरासी भर्ती के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर छत्तीसगढ़ के। तो चलिए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या आपका छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर है, तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितना है आपका 0.6% है। किसके अनुसार है यह? मार्च के अनुसार है। किसके अनुसार है यह? मार्च के अनुसार है बेरोजगारी दर। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं, तो छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कुल कितने जिले हैं, अभी 28 जिले हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, श्रमिक सियान सहायता योजना में अब कितनी राशि दी जाती है। क्या बात कर रहे हैं आप, श्रमिक सियान सहायता योजना में कितनी राशि दी जाती है आपका, तो आपका कितनी राशि दी जाती है आपका 10,000 रुपए। कितनी राशि आपका 10,000 रुपए दी जाती है आपका श्रमिक सियान सहायता योजना में। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या आपका, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस तिथि को की गई। इसका आंसर आप सभी जानते होंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई आपका 1 नवंबर 2000 को। कब की गई आपका 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई। अगला प्रश्न क्या आपका, मुख्यमंत्री मितान योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो आपका मुख्यमंत्री मितान योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है आपका 1445 है आपका। क्या है आपका 1445 है आपका। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या आपका, श्रीमती तीजनबाई किस गायन के लिए प्रसिद्ध है आपका, तो श्रीमती तीजनबाई किस गायन के लिए प्रसिद्ध है आपका, पडवानी गायन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ में किस माह में मनाया जाता है, तो हरेली त्यौहार आपका किस माह में मनाया जाता है आपका श्रावण माह में। किस माह में मनाया जाता है आपका श्रावण माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या आपका, बस्तर की जीवन रेखा की नदी कौन सी है, तो बस्तर की जीवन रेखा नदी कौन सी है आपका इंद्रावती नदी है। अगला प्रश्न क्या आपका, स्थानीय शासन की छोटी इकाई कौन सी है, तो स्थानीय शासन की सबसे छोटी स्थानीय शासन की छोटी इकाई कौन सी होती है आपका, स्थानीय शासन की छोटी इकाई होती है आपका ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न क्या आपका, देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है आपका, तो देवरानी जेठानी मंदिर आपका कहाँ स्थित है आपका, देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है आपका तालागांव में स्थित है। अगला प्रश्न है क्या आपका, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के समय सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के समय सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी आपका, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका, गोटुल किस जनजाति का युवा गृह है, तो गोटुल किस जनजाति का युवा गृह है आपका, मुड़िया जनजाति का युवा गृह है। अगला प्रश्न क्या आपका, महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ का प्रथम आगमन कब हुआ था, तो महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था आपका 20 दिसंबर 1920 को। कब हुआ था, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है 20 दिसंबर 1920 को। अगला प्रश्न क्या आपका, छत्तीसगढ़ में के किस जिले में गंगरेल बांध बनाया गया है, छत्तीसगढ़ के जिले में गंगरेल बांध बनाया गया आपका धमतरी जिले में। अगला प्रश्न क्या आपका, छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, तो आपका छत्तीसगढ़ में प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा आपका महाकौशल है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों आपका, बादल एकेडमी किस जिले में है, तो बादल एकेडमी आपका बस्तर जिले में। कहां है बादल एकेडमी आपका, बस्तर जिले में। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, तो किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी आपका, पृथ्वीराज प्रथम ने आपका सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या आपका, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा आपका, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जनजाति समूह क्या आपका गोड़ है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जन्मदाता है, तो छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जन्मदाता कौन है आपके, विट्ठल राव दिनकर है आपके छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जन्मदाता। अगला प्रश्न क्या आपका, प्रदेश में आकांक्षी जिले की संख्या कितनी है आपका, तो प्रदेश में आकांक्षी जिले की संख्या कितनी है आपका 12 है। कितना है आपका आकांक्षी जिले की संख्या 12 है। छत्तीसगढ़ में तहसीलों की कुल संख्या कितनी है आपका, छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या 202 है। कितनी है आपका 202, 202 है। किसके अनुसार है, या मार्च के अनुसार है छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या।
अगला प्रश्न क्या है आपका, रुद्र शिव प्रतिमा कहाँ स्थापित है? आपका रुद्र शिव प्रतिमा कहाँ है? आपका तालागांव में स्थापित है। अगला प्रश्न क्या है आपका, छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आपके छत्तीसगढ़ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आपके अनुसुईया उइके। श्रीमती क्या है आपके? अनुसुईया उइके। कौन है आपके? छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आपके अनुसुईया उइके है। बैरिस्टर की उपाधि से विभूषित है, तो बैरिस्टर की उपाधि से विभूषित कौन है आपका? डॉक्टर छेदीलाल। कौन है? डॉक्टर छेदीलाल क्या है? बैरिस्टर की उपाधि से विभूषित है। अगला प्रश्न क्या है आपका, बुलाक और बेसर आभूषण। बुलाक होता है एक आभूषण है और बेसर भी क्या है? आभूषण है, जिसे कहाँ पहना जाता है? आपका नाक में पहना जाता है। बुलाक और बेसर का आभूषण नाक में धारण किया जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।